वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, जो कि 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान एंड सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान आप बेसिकली समझ सकते हैं कि ये सिर्फ इनके नाम अलग अलग दे रखे हैं, बट जो इनका प्रोसेस होता है, जैसे हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो सारा सेम होता है। तो जस्ट आप अगर एक बेस समझ जाएंगे तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं इसका, इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेथड सबका सेम है, सेम तरीके से निकालना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। सबसे पहले ये बता देती हूँ, परमाणु द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब एक अणु का द्रव्यमान। जैसे ये हाइड्रोजन अणु कहलाता है H2, और अगर अकेला H होता है तो यह हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। अगर हाइड्रोजन के साथ अगर ये दो जुड़ा हुआ है तो यह हाइड्रोजन का अणु बन जाता है। इसी तरीके से सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है कि कोई भी एक अगर सूत्र होता है, कोई भी एक अगर फॉर्मूला होता है किसी केमिकल का, कोई रासायनिक सूत्र होता है, अगर उस केस में उसका हम द्रव्यमान निकालते हैं तो वो कहलाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबको एक ही तरीके से कैलकुलेट करना होता है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने इनके परमाणु द्रव्यमान लिख दिए कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, इनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, वो यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं परमाणु द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो 1 से 30 तक जो हमारे तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, जिसकी हेल्प से आप ये परमाणु द्रव्यमान भी याद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये सबसे पहले चेक करना है कि कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं, यहाँ पे एक परमाणु है तो एक लिख लिया, कुल परमाणुओं की संख्या और परमाणु द्रव्यमान। बस ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आप कैसा भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कि परमाणु कुल कितने हैं, किसी एक तत्व के कितने परमाणु हैं और कितना उसका द्रव्यमान है। तो 1 गुणा 1 किया, एक यूनिफाइड मास आ गया इसका। हमारा ये जो यू है ये परमाणु द्रव्यमान का यूनिट है निकालने का, तो इसलिए हमने यूनिट भी यहाँ पे साथ में लिख दिया है कि हम परमाणु द्रव्यमान को कैसे मेजर करते हैं, यू में। यू में सूत्र इकाई द्रव्यमान का ये यूनिट है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, गुणा किया तो 16 आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, गुणा किया 1 से, जो कि परमाणु द्रव्यमान है, आ गया आपका 2। ऑक्सीजन का अणु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अणु में 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो 2 गुणा में 16 तो हो गया 32। यहाँ ओजोन का जो हमारा सूत्र होता है उसके अंदर 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, तो 3 गुणा 16 हो गया 48। ऑक्सीजन के 2 अणु, अब ये O2, इसको तो हम ऑक्सीजन का एक अणु कहते हैं, अब आगे लग गया है 2, तो ये हो गया ऑक्सीजन के 2 अणु। तो कुल मिला के कितने परमाणु यहाँ, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको इससे गुणा करना होगा, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, तो टोटल 4 परमाणु हो गए यहाँ, गुणा किया 16 से तो 64 आ गया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु है, अगर हम ऐसे 2 आगे लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 2 ऑक्सीजन के परमाणु, तो 2 को हमने गुणा किया 16 से तो आ गया 32। क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु लिख दिया और गुणा किया 35.5 से, जो कि इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, तो आ जाएगा 71।
देन फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस का जो अणु होता है उसके अंदर चार परमाणु होते हैं, तो इसका अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो 4 × 31 कर देंगे, जो कि इसका 31 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आ जाएगा 124। अब सल्फर के अणु में क्योंकि 8 परमाणु होते हैं और ये बहुपरमाणु भी होता है इसलिए इसको बहुपरमाणु कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और इसको गुणा कर देंगे हम 32 से, तो आ जाएगा 256। अब हम करते हैं कुछ थोड़ा उनसे ऊपर के लेवल के जो हमारे सूत्र हैं उनका हम निकालते हैं द्रव्यमान। तो क्या है वो चेक करते हैं हम। सेम आपको वही रूल यहाँ पे भी लगाना है जो हमने पीछे लगाया, वही रूल यहाँ पे भी लगाना है कि अगर जल है, जल के अंदर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो पहले परमाणु लिखना है फिर इसका परमाणु द्रव्यमान लिखना है। ऑक्सीजन के पहले परमाणु लिखने हैं फिर परमाणु द्रव्यमान ने लिखना है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान 16, गुणा किया और जमा किया तो आ गया 18। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इसका परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, गुणा किया जमा किया आ गया 34। हाइड्रोजन का 1 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन के 3 परमाणु और परमाणु द्रव्यमान, गुणा किया जमा किया आ गया 63। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया हमने आ गया 44। अमोनिया का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु और इन दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान है उनसे हमने इनको गुणा किया तो आ गया 17। कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 4 और इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया फिर जोड़ दिया तो आ गया 16। कैल्शियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, दोनों के एक एक परमाणु है तो 1 और 1 से गुणा किया हमने इनके परमाणु द्रव्यमान को और जोड़ दिया तो आ गया 56। सोडियम और क्लोरीन दोनों ही एक एक हैं। अब क्योंकि ये जो है हमारा इसी को हम सूत्र इकाई द्रव्यमान, अब जैसे ये सूत्र बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये एक रासायनिक सूत्र बन गया और अगर इस सूत्र को हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो वही कहलाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो बस नाम अलग अलग है लेकिन जो प्रोसेस है हमारा वो बिल्कुल सेम है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी द्रव्यमान निकालना हो तो आपको बस यही मेथड फॉलो करना है। अगर आप ऐसा सीख जाएंगे तो चाहे वो सूत्र इकाई द्रव्यमान दे या आण्विक द्रव्यमान दे या जैसा भी द्रव्यमान दे आप इजिली निकाल सकते हैं। तो सोडियम का 1 है, यहाँ क्लोरीन का 1 है, दोनों के परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया तो आ गया हमारा 58.5। आयरन ये 1 है, सल्फर भी 1 है, दोनों के परमाणु द्रव्यमान से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर जोड़ दिया और आ गया 88। कॉपर भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो दोनों को लिखा 1-1, कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होगा 64, ऑक्सीजन का हो गया 16, दोनों को गुणा किया जमा किया आ गया 80। अब उनसे थोड़ा और हाई लेवल का एग्जाम्पल लेकर आए हैं, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी अगर द्रव्यमान पूछ लिया जाए आप डेफिनेटली सही करके आएंगे, क्योंकि इतना करने के बाद क्योंकि हमने अपने वीडियो में टोटल आई थिंक 43 43 एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, 1 लिखा 1 लिखा और इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया फिर जोड़ दिया आंसर आ गया 36.5। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 और सल्फर है 1 और इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया फिर जोड़ दिया आ गया 34। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर की बात करें तो कार्बन है 1, क्लोरीन है 4, दोनों के परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया आपस में और जोड़ दिया तो आ गया 154।
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है एक, क्लोरीन है दो, तो मैग्नीशियम को लिया एक, क्लोरीन को लिया दो, और दोनों के परमाणु द्रव्यमान से दोनों को गुणा कर दिया, फिर जोड़ दिया, आ गया 95। यहाँ देखिए मैग्नीशियम है एक, तो एक ले लिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, क्योंकि ये जो दो है ये ऑक्सीजन से भी गुणा होगा और हाइड्रोजन से भी गुणा होगा, तो ये दो ऑक्सीजन से गुणा हुआ तो ऑक्सीजन हो गया दो, हाइड्रोजन से गुणा हुआ तो हाइड्रोजन हो गया दो। फिर जब हमने परमाणु की संख्या लिख दी तो उनको उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आ गया हमारा 58। अब यहाँ पे है नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन है दो, ऑक्सीजन है एक, दो को गुणा किया 14 से और एक को गुणा किया 16 से और जोड़ दिया और आ गया 44। तो 44 जो द्रव्यमान हो गया ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड का। देन सोडियम नाइट्रेट का अगर हम द्रव्यमान निकालते हैं तो सोडियम यहाँ पे एक है और एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि कितने सोडियम है, हमें यहाँ सिर्फ परमाणु द्रव्यमान लिखना है, और परमाणु द्रव्यमान होता है एक परमाणु का द्रव्यमान। फिर है यहाँ नाइट्रोजन भी एक है, परमाणु द्रव्यमान उसका होता है 14। 16 है इसका परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का, लेकिन कितने हैं परमाणु, तीन, तो 3 × 16 सबको गुणा किया जोड़ दिया आ गया 85। देन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एक परमाणु, क्लोरीन का दो परमाणु, दोनों के परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा किया जोड़ दिया आ गया 111। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम है एक यहाँ, ऑक्सीजन है यहाँ दो, हाइड्रोजन भी है यहाँ दो, और दोनों और इन सब के परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा किया गया जोड़ दिया गया आ गया 74। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं, तो कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन तीन, और इन तीनों के परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा किया जोड़ दिया आ गया 100। अब थोड़े और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे फॉर्मूले। सोडियम है दो, कार्बन है एक, ऑक्सीजन है तीन, सोडियम दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, इनके परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया फिर जोड़ दिया आ गया 106। यहाँ देखिए अमोनियम, अब इसके अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हमने चारों को अलग अलग लिखा। नाइट्रोजन है यहाँ पे दो, ये दो नाइट्रोजन से गुणा होगा दो, हाइड्रोजन है यहाँ पे एट, 2 × 4 = 8, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, तो ये हाइड्रोजन हो गया 8, सल्फर हो गया 1 और ऑक्सीजन हो गया 4। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए पहले, नंबर ऑफ सॉरी परमाणु की संख्या लिख ली हमने, फिर परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा कर दिया और जोड़ दिया और आ गया 132। जिंक ऑक्साइड दोनों ही एक एक परमाणु है तो एक एक लिख दिया, इनके परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा कर दिया और जोड़ दिया और आ गया हमारा 81। सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पे सोडियम के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, दोनों के परमाणु द्रव्यमान से इनको गुणा किया जोड़ दिया आ गया 62। सोडियम सल्फाइड सेम वही प्रोसेस है हमारा। पोटेशियम सल्फेट, तीन तत्व है यहाँ, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन, पोटेशियम है दो, सल्फर है एक, ऑक्सीजन है चार, इनके इनके परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया और जोड़ दिया आ गया 174। सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया वो यहाँ पे भी किया, कार्बन पोटेशियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, पोटेशियम है दो, कार्बन है एक, ऑक्सीजन है तीन, इनको इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया जोड़ दिया आ गया 138। पोटेशियम नाइट्रेट सेम प्रोसेस किया हमने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है दो, ऑक्सीजन है तीन, तो एल्यूमिनियम दो, ऑक्सीजन तीन, इनके इनके परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया और जोड़ दिया और आ गया 102। फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम एक है, क्लोरीन तीन है, फिर इनको इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया और आ गया 133.5। एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीनों को अलग अलग लिख दिया, एल्यूमिनियम दो है, सल्फर तीन है, ये तीन सल्फर से गुणा होगा तो तीन है, ऑक्सीजन 12 है, 3 × 12 तो ऑक्सीजन हो गया 12,
इनके इनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा किया, जोड़ दिया, आ गया 342। कॉपर नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो कॉपर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे छह है। तो एक है, दो है, छह है और इनके परमाणु द्रव्यमान से हमने इनको गुणा किया, जोड़ दिया, आ गया 188। एक लास्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक है सोडियम, हाइड्रोजन भी एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन तीन है और फिर इनके इनके परमाणु द्रव्यमान से हमने गुणा किया, फिर जोड़ दिया, आ गया 84। तो आई थिंक आपने इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए, समझ लिए, तो आपको अब इजली कोई भी दिया हो, सूत्र इकाई द्रव्यमान दिया हो, आणविक द्रव्यमान दिया हो और परमाणु द्रव्यमान दिया हो, कोई भी अगर दिया हो या पूछा गया हो, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कोरोना टाइम में हमारा ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। आपको जैसा भी लगे हमारा वीडियो, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आकर देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो परमाणु द्रव्यमान है उसके लिए भी हमारे चैनल पर ट्रिक अवेलेबल है, आप आकर देख सकते हैं।